हेलो बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में हम करने जा रहे हैं अपनी कार्य पुस्तिका का पेज नंबर 18, जिसका हमारा टॉपिक है वाक्य अभ्यास। तो बच्चों, हमें इसमें क्या करना है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि साथ में हमें कुछ चित्र दिए गए हैं और इन चित्रों की मदद से, इन चित्रों की सहायता से हमें इन वाक्यों को पूरा करना है। इन चित्रों की मदद से उचित शब्द भरकर वाक्यों को पूरा करना है। तो चलिए आइए इसे शुरू करते हैं। पहला वाक्य पढ़ते हैं, क्या है? डैश खेत में काम करता है। क्या है? डैश खेत में काम करता है। और चित्र में हमें कौन दिखाई दे रहा है बच्चों? किसान। कौन दिखाई दे रहा है? किसान, जो एक खेत जोत रहा है। तो यहाँ से हमें क्या शब्द मिला? किसान। तो यहाँ पर क्या शब्द आएगा? किसान। क्या लिखेंगे? किसान। जिस शब्द हमें मिल गया और हमारा वाक्य ये पूरा हुआ। इसको पढ़ते हैं एक बार। किसान खेत में काम करता है। इसी तरह चलिए दूसरा देखते हैं, क्या है? हम डैश में खेलते हैं। क्या है? हम डैश में खेलते हैं। और चित्र हमें किसका दिखाई दे रहा है? एक बगीचे का। किसका दिखाई दे रहा है? बगीचे का। तो हमें यहाँ से शब्द मिला क्या? बगीचा। तो यहाँ पे क्या आएगा? हम डैश में खेलते हैं और हमारा शब्द क्या था? बगीचे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? बगीचे। तो इस तरह हमारे ये वाक्य पूरा हो जाएगा। हम बगीचे में खेलते हैं। तो बच्चों, जिस तरह मैंने आपको ये दो वाक्य करके दिखाए हैं चित्रों की सहायता से, चित्रों की मदद से यहाँ शब्द भरे हैं, इसी तरह आपको पेज नंबर 18 पे कुछ और वाक्य भी दिए गए हैं, उनको भी आपको इसी तरह करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।